तो भाई आ गया, इधर मैंने बाइक खड़ी कर दी। देखो ये ब्लैक गेट है ना, ये याद रखना, यहाँ पे लगेगी वैक्सीन। तो चलो चलते हैं और पूछता हूँ मैं कैसे कहाँ क्या लगे। एक लड़ता है वैसे टकलू। चल पलेगो, चल पलेगो। ओए यार ऐसे थोड़ी करते हैं, आए फोड़ दिया भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, आ गया मैं आपके साथ एक और न्यू व्लॉग लेके। की हाल चाल, क्या कर रहे हो सब? मैं उठ गया बहुत देर का, चाय भी पी के आ गया। पता है आपको, मैं आज व्लॉग शूट करने वाला नहीं था कि मतलब मेरे पास रखे हैं ना व्लॉग बनाए हुए, तो मैं उन्हें डाल दूँ पहले। आज मेरा मन नहीं कर रहा था, पर एकदम ये याद आ गया आज मुझे जाना है कहीं, ठीक है, तो दिखा दूंगा आपको भी अपने साथ। तो इसलिए मैं कहा व्लॉग बनाते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो भाई पूरा व्लॉग लास्ट तक देखो। मैं तो अभी लेटा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं करना, मैं जाऊँगा बाद में जाऊँगा, दिखा दूंगा आपको। तो जब जाऊँगा तो वो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो गाइस, अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए। आज पता नहीं सुबह सुबह क्यों कर रहा हूँ मैं सारे काम, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं सुबह सुबह नहा रहा हूँ, सब चीज़ कर ली, सुबह जल्दी भी उठ गया आज तो मैं, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं नहाने के बाद आपसे। ओ जी हो गया मैं नहा धो के पूरा ऑल सेट। आज मैंने टी शर्ट पहनी है और अपना ये वाला लोअर फेवरेट वाला, ठीक है जी। और बाहर ट्रॉली जा रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करो, मेरी आवाज़ सुनो बस। तो अब तो मुझे क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना शायद मैं, हाँ अभी तो लेटूंगा मैं, पक्का पता है मुझे। और नीचे जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, और जिस टाइम निकलूंगा घर से तो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई आ गया मैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ मैं आया कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बाइक वहीं रहने दो, यहाँ कहाँ खड़ी करेंगे, मैं एक बार देख के आ जाऊँगा, रुको फिर मैं देख के आऊँ एक बार। तो भाई यहाँ पर आया हूँ मैं वैक्सीन लगवाने, जो वहाँ पर लगी नहीं थी, तो दिखाता हूँ बैक कैमरा करके बताता हूँ कहाँ कैसे लग रही है, ठीक है। ये वो एम्स ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, और इन्होंने बताया है यहाँ जाने के लिए। तो भैया देखते हैं सामने जाके वैक्सीन कहाँ लग रही है, ये खाली पार्क सा आएंगे तो। ये है वो हॉस्पिटल, ठीक है जी, जहाँ पे वैक्सीन लगनी है। इधर से आया हूँ मैं टूटे हुए रास्ते से, और जब वहाँ पहुँचूँगा तो बताऊँगा, दिखाता हूँ आपको। भाई ये है यहाँ की पार्किंग, ठीक है, और ये है हॉस्पिटल इधर, एम्स ऑफ आयुर्वेदा जिसका नाम है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। और यहाँ की दवाई भी आपको बताऊँगा आगे मिलेगी, और यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलती है यहाँ की दवाई। मैंने बाइक यहाँ खड़ी कर रखी है, बाइक लेके चलते हैं अपनी अंदर वहाँ पे। तो भाई आ गया, इधर मैंने बाइक खड़ी कर दी। देखो ये ब्लैक गेट है ना, ये याद रखना, यहाँ पे लगेगी वैक्सीन। तो चलो चलते हैं और पूछता हूँ मैं कैसे कहाँ क्या लगेगी। इधर लगेगी, इधर जाना है भाई, और देखते हैं अंदर लगेगी फिर वैक्सीन जाके। क्या हुआ मामू, पता ना मास्क तो मैं ही ना लाया। तो चलो भाई हमने वैक्सीन लगवा लिए हैं, अब हम चलते हैं आगे दवाई लेने। क्या मामू तो इधर तो भीड़ है, अब हम दूसरे वाले मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, सामने आए हैं बहुत सारे यहाँ पर। तो भाई आ गए हम दूसरे वाले मेडिकल स्टोर पे, ये रहा जो, देखो यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, ये आयुर्वेदिक दवाइयों के मेडिकल स्टोर है सारे यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। और इस वैक्सीन के बारे में भी आपको बता दूँ, ये थर्ड डोज लग रहा है, ये भी ट्रायल पे चल रहा है, तो अगर जिसे लगवाना हो लगवा लेना, नहीं लगवाना नहीं लगवाना, ठीक है, मर्जी है जी हमारी। अभी 5,000 लोगों पर ट्रायल चल रहा है इसका वैक्सीन का, तो इसीलिए मैंने तो लगवा ली, ठीक है। अब मर्जी आपकी है जी, लगवाना चाहते हो लगवाओ, नहीं लगवाना चाहते फिर भी लगवा लो, ठीक है। ट्रायल मेरे ऊपर हो रहा है, मैं बता दूंगा जैसे जैसे इसके लक्षण होंगे। ये वाला रोड अब बन गया, पहले पूरा रोड टूटा हुआ था, यहाँ पे आने आने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाए थे सामने से, अब तो पूरा रोड बन गया है चकाचक। और शायद दवाई मिल गई है मामा को, है ना। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो भाई आ गया मैं वैक्सीन लगवा के, अब फाइनली घर दवाई वगैरह सब लेके। मामा को दवाई लेनी थी, जो आयुर्वेदिक दवाई थी वो वहीं पर मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ का मेडिकल स्टोर है, ठीक है, जो लिखा था मैंने वो बता दिया। तो भाई चलो, अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बस, इसमें ये दर्द बढ़ेगा हाथ का तो कन्फर्म है, क्योंकि अभी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया दर्द, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में, मैं लेटूंगा और टीवी देखूंगा, ठीक है। तो भाई चलो उठ गया मैं, पहले तो खोलते हैं टंकी का वाल, टंकी के अंदर नहीं है पानी थोड़ा सा अभी। तो अब क्या करना है मुझे, अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ओके है जिसे कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिट। और शाम को पता, वो शाम तो होगी, रात को पता चलेगी,
कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। आई डोंट नो गाइस, मुझे पता नहीं है मेरा येलो येलो फेस क्यों हो गया, शायद अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से येलो येलो फेस हो रहा है मेरा, ठीक है। तो उसको मैंने बता दिया अभी। लो भाई, आज भाई साहब ये बीमार बच्चा खाना बना रहा है, इसकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई। हफ्ते में 5 दिन की तबीयत ख़राब रहती है भाई। हेलो भाई साहब, क्या बना ले हो आज खाना? दादी माँ दे इसके बहुत बबा कर ला, सब्जी नहीं बनाने दे रहा मेरे को, है ना भाई। हे सिंघम भाई, ये तो शांत बैठा है, डर रहा है शायद मेरे से आज। अब कल का दिखा दो गुच्छा मारू। दोस्त मेरा सुई लगी है गंजे छात पे, एक लड़ता है वो से टकलू। चल पलेगू। ओए यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, फोड़ दिया भाई गंजे ने। ओह गुच्छा देखो इसका, माले भी है गुच्छा भी गले। तो भाई चलो, हो गया अपना वो, क्या टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। दिखाता हूँ आज मैं क्या खाऊंगा, आज क्या बनाया है अभी मुझे भी नहीं पता। पक्की बात है, जो भी बनाएगा मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भिंडी कटती हुई देख ली थी, ठीक है। तो भाई चलो, आता है खाना तो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ खाना खाने के बाद, ठीक है। मेला है गुब्बारा जो तूने ले रखा है, दे दो मेरे को, दे दो। ओहो कितना सीधा बनकर दिखा रहा है, जैसे मैं तो कुछ कलता ही नहीं हूँ, है ना। अरे कहाँ जा रहा है, मेरे को दे दे बाबू। मेल आए ये, हाँ ये गुब्बारा मेल आए ये। अरे यार तू ना बोला कुछ भी। तो भाई मुझे भी नहीं पता था रियल में क्या क्या बना, भिंडी की तो मैंने बता दी थी, मेरे सामने कट रही थी। ये आलू की सब्जी रोटी, ये सूखे आलू की सब्जी और ये भिंडी, ठीक है। खाना खाएं भाई, खाएं खाना ना। मैंने बताया चल रहा है ना, हाथ में फूट जाएगा तेरे गुब्बारा है, अरे नहीं मालूम। चलो भाई अब हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे, ठीक है। बाय बाय तो कर दो बेबू, बाय बाय। हटियो बेटी, ये मेरी बेटी है, छोटी सी है ना, बेटी है ना तू। वे कदे हां जी मम्मी। तो भाई चलो, अपना डिनर हो गया कंप्लीट। अरे बाबा आ गया ऊपर, पर क्या कर रहा हूँ, ऊपर आ गया कूलर में पानी भर रहा हूँ, ठीक है जी, है ना भाई गंजू। पिटाई कर दो मानू, मानू ना देखो डरता है बच्चा भाई मुझसे। चलो चिल्लाएगा तो पिटाई कर लूँगा तेरी, हाँ भाग जाए डर के। तो चलो भाई करते हैं बाद में बात। तो चलो भाई, अब आ गई ब्लॉग को एंड करने की बारी। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। उससे क्या होगा, जो मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल, और वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और मैं सारी अपडेट आपको देता रहूँगा वैक्सीन के बाद मेरे को क्या क्या हो रहा है। अभी जैसे मेरा हाथ भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि हाथ में दर्द है, वो तो मेरे दोनों डोज में हुआ था, ये 30वां डोज है, इसमें भी यही हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं कल।